इंटरनेट की दुनिया में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। ऐसे में ही एक बहुत ही शानदार कैरियर, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी एज अ वेब डेवलपर, एज अ वेब डिजाइनर उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इंटरेस्ट वेबसाइट को डिजाइन करने में, वेबसाइट्स को बनाने में और कंप्यूटर की भाषा को डिकोड करके यानी कि कोडिंग को सीख करके वह एक वेबसाइट की डिजाइन करें। जैसा कि आप देखते हो, आज हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिर्फ एक क्लिक में वेबसाइट्स के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। एक सर्वे के अनुसार आज इंडिया में भी लगभग 43 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इंटरनेट के हैं और हम वेबसाइट्स का, वेब पेजेस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और आप जानते हो कि इसके पीछे दिमाग होता है वेब डिजाइनर का, हमारे वेब डेवलपर्स का। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वेब डेवलपर क्या है, वेब डिजाइनर कैसे बने, क्या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए कि आप एक वेब डेवलपर बन पाए, और किस तरह से यह सभी बच्चों के लिए, चाहे आपने आर्ट से, चाहे आपने कॉमर्स से, चाहे आपने साइंस साइड से अपनी क्लास 12th को पास किया है, आप सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज यहां पर वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर लेकर के आता है। सबसे पहले जान लीजिए, जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो जब आप वेबसाइट में जितना भी कंटेंट देखते हो, जितने भी पेजेस देखते हो, वह सारी चीजें एक वेब डिजाइनर, एक वेब डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर के दिमाग की उपज होती है। उस तरह से वह वेबसाइट को क्रिएट करता है कि अब वहां पर आपका यूजर इंटरफेस बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और आप देखते हो बड़ी से बड़ी कंपनीज MNCs जो होती हैं, वह अपनी वेबसाइट्स को इस तरह से डिजाइन करती हैं कि यूजर आप उस तरह से उसके प्रति अट्रैक्ट होता है, उसकी अच्छी खासी ब्रांडिंग होती है। तो उसके पीछे दिमाग होता है वेबसाइट डेवलपर का। तो आपको अगर एक वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर बनना है तो आपको एक बेहतरीन नॉलेज कोडिंग का होना चाहिए, जिससे कि आप कंप्यूटर्स की भाषा में, कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझ करके आप एक वेबसाइट का डिजाइन करें, वेबसाइट को आप डेवलप करें। आज हम बात करने वाले हैं क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अगर आप एक वेब डिजाइनर या वेब डेवलपर बनना चाहते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, आप एक वेब डिजाइनर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो कुछ एडवांटेजेस यहां पर आपको मिलते हैं। जैसे कि अगर आप PCM से हो तो आप BSc इन कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर सकते हो, जो कि 3 years का कोर्स है, जिसको हम BSc IT का भी कोर्स कहते हैं। उस कोर्स को करने के बाद आप 1 साल की इंटर्नशिप करोगे और फिर आप एक वेबसाइट डेवलपर या वेब डिजाइनर बन जाओगे। लेकिन अगर आप कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA का कोर्स आप कर सकते हो, जिसकी ड्यूरेशन भी 3 years है। और इसकी फीस की बात करें तो जनरली इसकी फीस 30,000 से लेकर के 80,000 के बीच में आपकी पूरी 3 सालों की फीस होती है। और BSc IT की बात करें तो BSc IT अगर आप एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो 55,000 से लेकर के 1,20,000 तक आपकी फीस यहां पर देखने को आपको मिलती है। अब बात करते हैं कि वेब डिजाइनर या वेब डेवलपर बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। सबसे जो फॉरमोस्ट इसकी क्वालिफिकेशन है, जो सबसे ज्यादा आपके पास होनी चाहिए, वह है गुड नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, चाहे वह JavaScript हो, Python हो, C++ हो, HTML हो, PHP हो, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज की जाती हैं, उनका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे वेब डिजाइनर और अच्छे वेब डेवलपर आप बन सकते हो। दूसरी बात, आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। आपका एम होना चाहिए कि आप जिस वेबसाइट को डिजाइन करें वह इतनी यूजर फ्रेंडली हो कि किसी भी यूजर को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और इजीली कम नॉलेज वाला भी यूजर, जिसे कंप्यूटर का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, स्मार्टफोन्स का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, वह भी आपकी वेबसाइट को बहुत ही इजीली एक्सेस कर ले, यानी कि आपकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली इन नेचर होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास एक क्रिएटिव माइंडसेट, लॉजिकल माइंडसेट होना चाहिए। साथ ही साथ ये एक मार्केटिंग का फील्ड है, ये एक कॉम्पिटिटिव फील्ड है, और तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, ये बहुत सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक वेबसाइट को बनाने में किस किस टूल्स का यूज किया जाता है, उन टूल्स के बारे में आपके पास माइन्यूट से माइन्यूट, बेसिक से बेसिक नॉलेज, अच्छे से अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल वेब डिजाइनर, सक्सेसफुल वेब डेवलपर बन पाओगे।
अब बात करते हैं जॉब पोजीशंस की, तो बहुत सारे जॉब पोजीशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेब एनालिस्ट, यूआई डेवलपर, ऐसे बहुत सारी पोस्ट हैं, फुल स्टॉक डेवलपर, वर्डप्रेस एंड स्पॉटिफाई डेवलपर, यहाँ पर टेक्निकल कंसल्टेंट, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को वेब डेवलपर और वेबसाइट डिजाइनर में आपको देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज की, तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी वेबसाइट्स को डिजाइन कराती हैं, तो वह भी वेब डेवलपर और वेब डिजाइनर को अपॉइंट करती हैं, जिससे कि उनकी वेबसाइट सिक्योर हो और ज्यादा से ज्यादा अच्छी वेबसाइट डिजाइन हो पाए, अच्छे से अच्छा काम चल पाए, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज देती हैं। हालांकि जब आप इंटर्नशिप करोगे तो आपको सिर्फ 8,000 से लेकर के 15,000 के बीच में देखने को सैलरी मिलेगी। इसके बाद जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 18,000 से लेकर के 28,000 ये आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी। लेकिन जैसे आपका एक्सपीरियंस 2 साल से ज्यादा होगा तो आपको 32,000 से लेकर के 53,000 के बीच में सैलरी देखने को मिलती है, और जब आपका एक्सपीरियंस 5 साल या उससे ज्यादा हो जाएगा तो आपकी सैलरी 85,000 से लेकर के 1,60,000 तक आपकी सैलरी जाती है। और जैसे जैसे आप इस फील्ड में ग्रो करते जाओगे आपकी सैलरी एक हाई पैकेज पर होती चली जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी फील्ड है, ग्रोथ वाली फील्ड है, क्योंकि आप देख रहे हो आज के समय वेबसाइट्स का कितना यूज है, लोग वेबसाइट्स पे कितना समय बिताते हैं, और वेबसाइट्स ने हमारे जीवन को किस तरह से इंफॉर्मेटिव, कैलकुलेटिव और इजी बना दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर का ही काम है, जो वह बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से करते हैं, जिससे कि आज हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों का भी सॉल्यूशन जस्ट अ क्लिक में ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही अच्छा कैरियर आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको इमेंस ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आप चाहें तो आप 12वीं के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं, हालांकि आप 10th के बाद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज करके भी एक वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर बन सकते हैं, और इंडिविजुअल आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक MNC में एक अच्छी जगह जॉब स्टेबल होना चाहते हो तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप ग्रेजुएशन करें BSc IT BCA, और अगर आप और स्किल्स एड ऑन करना चाहते हो तो आप MSc IT कर सकते हो, MSc CS कर सकते हो, साथ ही साथ आपको यहाँ पर MCA भी कर सकते हो। बिल्कुल ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर वेब डेवलपर कैसे बने, वेब डिजाइनर कैसे बने। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया होगा और आपको बारीक से बारीक नॉलेज दे पाया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।